Uh, hello dear students and uh, welcome to DSCG Home Classes initiated by our worthy director of school education Jammu. Today we are going to discuss one last and but not least important topic of from your class 9th uh, syllabus, T1 syllabus. that is uh, uh, a basketful of sea trouts. Uh, if we look at this Steven's levels, the Tempest 1, Tempest 2, Adventures of Toto, Motige the mutineer. I cannot remember my mother. I can uh, The Road Not Taken, Old Man at Bridge, both poems. Uh, I cannot remember my mother and the Road Not Taken. These are from poetry section, Old Man at Bridge. And now about uh, basketful of sea trouts. Uh, beautiful this uh, drama. And uh, today we are going to discuss about that this play I try to compile this it, it, its very lengthy uh, play but I had try to uh, compile in some pictures and uh, will try to make you understand what uh, the, what is the theme of this play so there are some main characters of this play uh, honourable Lord uh, Fintron, a Scottish judge haiye. विलियम ब्रॉडी ऑफ एल्टॉन अ स्कॉटिश लैंड लॉर्ड ही इज द फ्रेंड ऑफ द स्कॉटिश जज एंड देन जीन लोमांड लोमांड शी इज अंट पीच एंट वन एंड देन कर्नल एल्ड्रेस चीफ कॉन्स्टेबल राइट तो दीज आर फोर मेन कैरेक्टर्स इन दिस प्ले तो आज हम इसी को कुछ पिक्चराइजेशन के जरिए Uh, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके जहन में अगर एक बार ये पढ़ बैठ जाए तो आप इसको कभी ना भूलें इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए ठीक है अब ये सीन कैसे है द सीन इज ऑफ द प्ले इज़ दैट हॉल ऑफ अ स्मॉल शूटिंग एंड फिशिंग लॉज है द प्रॉपर्टी ऑफ लॉक लॉर्ड फिंड्रॉन इन अ लोनली वैली इन द वेस्ट हाईलैंड इट इज सेपरेटली सेपरेस्टली फर्निश्ड द एटमोसफियर इज वन ऑफ लॉन्डलीनेस बॉर्डरिंग ऑन द एरी अब एरी क्या है अब एक एटमोसफियर सीन कौन सा है कि एक लॉज है जो लॉर्ड फिंडरॉन का है समुन्द्र के किनारे पे तो अब यहाँ पर कुछ अजीब सा एनवायरमेंट है अभी एनवायरमेंट कैसा है कि दिट इज मॉर्निंग इट ब्लोज हार्ड वेरी हार्ड द लॉज इज सिचुएटेड फेयर अवे फ्राम ह्यूमन हैबिटेशन जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता है वहाँ पर यह लॉज अब सिचुएटेड है और देयर आर नो सर्वेंट्स इन द लॉज इट इज़ अ शूटिंग एंड फिशिंग लॉज ठीक है द ग्लैन इज फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड मेक द एटमोसफियर क्वाइट एरी स्ट्रेंज एंड टेरीफाइंग एरी मीन्स कि बिल्कुल डरावना जैसा माहौल है वहाँ पर द एक्शन टेक्स प्लेस वैन देयर इज अ पिच डॉक आउटसाइड चारों तरफ से अंधेरा है तब ये सारा ड्रामा जो है हो रहा है एक ही सीन है इसमें लेकिन एक इंटरेस्टिंग सीन है तो हम देखेंगे इसमें क्या होता है यहाँ पर दिस इज वेरी मिस्ट्री ऑफ मर्डर ऑफ वन लेडी नीली साल्टर शी हैड बीन मर्डर बट देयर इज अ मिस्ट्री हैड किल्ड हर, एंड अप टू एंड ऑफ दिस प्ले वी कैनाट से हंड्रेड परसेंट श्योर हु हैड डन हर मर्डर बट देर इज सो मैनी मिस्ट्री इन दिस प्ले तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट द मिस्ट्री इज तो यहाँ पर ये यह दोनों बैठे हैं एक तो जज है जैसे कि हमने कौन बोला ब्रॉडी और उसका एक फ्रेंड है जो कि लैंड लॉर्ड है वो भी वहाँ पर उसके साथ बैठा हुआ है इस लॉज में जब ये यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर एक एंट्री होती है एक लेडी की जिसका नाम है इज जीन लोमांड एंड शी इज विद बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट्स मछलियों यानी सी ट्राउट एक फिश है स्पेशल उसकी एक टोकरी लेकर ये आती है और ये किसको देती है जो ये जज है फिंड्रॉन उसको ये पेश करती है गिफ्ट तो ये पहले हैरान हो जाता है कि इस जगह पर ये लेडी जो है जीन लोमांड ये कहाँ पर पहुँची कैसे पहुँची और एक अजीब दरवाज़ा बंद था फिर भी ये अंदर आ जाती है तो फिर ये उनको ये टोकरी ये बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट्स पेश करती है और बोलती है कि आपने मेरे बेटे हेक्टर लोमांड को बचाया है ये हेक्टर लोमांड कौन होता है ये एक नई एंट्री होती है कैरेक्टर की तो एक उसका क्योंकि वो जो जज था उसने एक डिसीजन लिया था जिससे इसका बेटा जीन लोमांड का बेटा हेक्टर लोमांड जो है वो सज़ा होने से बच गया था इसलिए उस खुशी में ये बास्केट फुल ऑफ सीट उसके लिए लाती है हालांकि वहाँ पर जज बोलता है उसको कि वो तो क्योंकि गुनेगार नहीं था इसलिए वो छूट गया और वो उसको बोलता है कि मैं जो जो कोर्ट के केसेस है मैं घर में डिस्कस नहीं करता लेकिन वो ज़बरदस्ती फिर भी आ जाती है वो उसको मजबूर कर देती है उसकी बात सुनने के लिए तो एक यहाँ पर एक अब ये हेक्टर लोमांड किस केस में फंसा है इसने एक लेडी का मर्डर मर्डर के केस में फंसा था और ये ले, लेडी कौन थी एक ब्यूटीफुल लेडी थी नीली साल्टर इसके मर्डर के केस में इसका लड़का यानी जीन लोमांड का लड़का हेक्टर लोमांड वो फंसा हुआ था लेकिन वो आज़ाद हो गया अब कैसे देखते हैं कि आ, जब इसकी केस की कार्रवाई शुरू हुई जब नील आ, जो नीली साल्टर थी हेक्टर लोमांड उस केस में क्यों फंसा क्योंकि हक, हेक्टर लोमांड जो था वो इसका करीबी दोस्त था या आप बोल सकते हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड था उस शक की बुनियाद पर उन्होंने कोर्ट ने पुलिस ने जो है हेक्टर लोमांड को अरेस्ट किया लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलने पर के बिना पर उन्होंने क्या किया कि हेक्टर लोमांड को जज ने जज ब्रॉडी ने जो थे उन्होंने इसको फ्री कर दिया और वहाँ पर जब इनकी झूरी चल रही थी जब ये केस चल रहा था तो वहाँ पर हेक्टर लोमांड से भी पूछा गया कि आपने इसे इसका मर्डर किया तो उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं किया है और पूरी जब कहानी देखी गई जहाँ पर उसका नील साल्टर का मर्डर हुआ था वहाँ पर कोई और दूसरा नहीं था बहुत सारे लोगों गवाहों के बयान लिए ले गए गए लेकिन साबित नहीं हुआ इन गवाहों के साथ इसकी मदर जो है जीन लोमांड उससे भी पूछा गया ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उससे भी पूछा गया क्या तुम तुम इस कत्ल के बारे में कुछ जानती हो तो जीन लोमांड ने बोला मैं इस कत्ल के बारे में बिल्कुल ही कुछ नहीं जानती ना मैं नील साल्टर को जानती हूँ ना मैं इस कत्ल के बारे में कुछ भी कोई भी चीज़ जानती हूँ तो नटशल होता क्या है कि हेक्टर लोमांड जो है आजाद होता है फ्री हो जाता है जज जो है उसको आजाद कर देता है तो हेक्टर लोमांड केस से बरी हो जाता है लेकिन उस खुशी में कि हेक्ट्रोलमांड को जज जज साहब ने फ्री कर दिया आज़ाद कर दिया ये बास्केट फुल ऑफ सीट राउट्स लेकर उनके पास नजराना लेकर पेश हो जाती हैं किन के पास जो वहाँ पर जज बैठे हैं और जज के साथ उसका फ्रेंड जो लैंडलॉर्ड है वो भी वहाँ पर बैठा हुआ है और उसको ये पेश करती है और लेकिन यहाँ पर जो जज है वो उसको बोलता है कि मैंने उसको आज़ाद नहीं किया क्योंकि उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था इसलिए जो है वो छूट गया इसलिए मैंने कोई स्पेशल काम तुम्हारे बच्चे के लिए नहीं किया लेकिन फिर भी वो उसको फोर्स करती है कि नहीं आप जो है ये जो बास्केट है ट्राउट्स की वो आप रखिए तो यहाँ पर जीन जो है जज को एक अजीब सा किस्सा सुनाती है बताती है बिकॉज इट हंट्स मी कि आपने ये रखना है और आपने मेरे बच्चे को माफ़ कर देना है और आप मेरे बच्चे को दोबारा ना पकड़ें मुझे ये शक हो रहा है तो फिर क्या बोलते हैं बिकॉज इट हंट्स मी एंड इट हंट्स यू एंड टू ब्रॉडी यू सर एंड एवरी बॉडी इन दिस प्लेस शी लेट माई सन गेस शी वाज टू मीट एयर मैन देट नाइट शी होप्ड फॉर ब्लड तो अब ये बोलती है कि ये जो लोमांड है ये जो नीली नीली सॉल्टर है वो मर्डर के लिए जो है वो कतिल थी और शी होप्ड फार ब्लड शी ड्रेस्ड फॉर ओकेजन ऑफ शी वेंट अप ऑन दिल साइड वो उसने उस दिन ड्रेस लगाई और वो पहाड़ी के ऊपर गई शी टुक आउट हर पेंट एंड हर पाउडर एंड लुकड अराउंड उसने अपना पेंट एंड लिपस्टिक वगैरह लगाया और पाउडर लगाया और चारों तरफ देखने लगी ऑन द हिल्स एंड शी लॉच एंड एंड ऑन द बॉन्जी ट्री एक बॉन्जी ट्री होता है उसकी तरफ बोलने लगी द वुड एंड सेड देर इज़ नन ऑफ यू सो बॉन्जी मी यानी यानी तुम और मैं यानी बॉन्जी ट्री और मैं हम जो हैं हम यहाँ के सबसे मजबूत हैं हम यहाँ के सबसे हम हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है इस तरीके से इशारा करती है कौन करती है नीली साल्टर देट्स व्हाट मी थिंक आई एंड देयर इज़ नन ऑफ यू सो पावरफुल एज मी आई कैन डू विद मैन व्हाट आई लाइक मैं मैन के साथ वो कर सकती हूँ जो मुझे मर्जी आए एंड द लॉक्ड अराउंड एंड शी लुक्ड अराउंड इन हर प्राइड एंड वेंट डाउन द हिल और वो चारों तरफ देखने लगी और पहाड़ी से नीचे गई देखिए कहानी का मोड़ कहां पे होता है कि यहां पर यह क्या बोलती है कि आ, मैंने जो है आ, उस औरत को देखा नीली सॉल्टर को देखा पहाड़ी पे गई ये पूरा किस्सा जो है ये किसको सुना रही है जज साहब को सुना रही है अभी तक जब हमने जब कोर्ट में जब केस गया था वहां पर जिन लमांड ने मना कर दिया कि मैंने किसी भी नील साल्टर के में, बारे में कुछ नहीं जानती लेकिन यहाँ पर जब वो घर पे पहुँचती है तो वहाँ पर ये कहानी सुनाती है जज साहब को कि मैंने जो है नील साल्टर के बारे में आ, ये ये देखा और ये ये उसने बोला ये सारी चीज़ें उसने बोली तो दीज आर थिंग्स विच क्रिएटेड डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ जज एज वेल एज इन द माइंड ऑफ हिज फ्रेंड लैंड राइट So he said to his friend Brody, to his friend Judge, "I'm a lawyer." He takes a step or two and then goes nearer to Brody. Was ki gaya? The last person who saw Neely Salter alive was the former at Dykes Farm, about a hundred yards further. द रोड डिवाइडेड ऑन स्पॉट इनविजिबल फॉर द फ्रॉम द फॉर्म तो लास्ट टाइम जो है जब यह केस की सुनवाई हुई थी तो किसान ने उसको देखा था और वहां से आगे किसी ने उसको नहीं देखा था वन पाथ गोज बाई द साइड ऑफ द लॉज द अदर द पाथ ऑफ द रेड डियर गोज ऑफ दिल एंड री ज्वाइंस द लॉज पाथ अबाउट द माइल फॉर द वेस्ट नो बडी न्यूज वेदर नील साल्टर टू द लो रोड आर द हाई रोड हर बॉडी वॉज फाउंड टू हंड्रेड यर्स फ्राम द वेस्ट जंक्शन ऑफ द टू पाथ्स अब यहाँ पर जब फॉर्म से वो निकली थी फार्मर ने बोला कि मैंने यहाँ तक उसको देखा था आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं लेकिन यहाँ पर क्या बोल रही है जो जीन लोमाण बोल रही है कि वो ऊपर वाले रास्ते पे गई थी और वहाँ से वो नीचे उतरी और बॉन्जी ट्रीज के साथ बातें करनी लगी तो यहाँ पर ये यह बोलता है कि हमारे केस में तो आज तक ये पता ही नहीं था कि वहाँ से आगे भी कुछ हुआ तो इनके दिमाग में क्या हो जाता है कि डाउट क्रिएट हो जाता है डाउट एक क्रिएट हो जाता है कि ये बातें जब हमारा केस चल रहा था तब ये हमारे सामने नहीं आई और आज जो है ये हमारे सामने ये केसेस ये बातें आ रही है तो उनके दिमाग में एक डाउट क्रिएट हुआ लेकिन साथ साथ में वो रिक्वेस्ट कर रही है उनको कि मेरी मेरा जो लड़का हेक्टर लोमांड है वो बिल्कुल बेगुनाह है उसने कुछ भी नहीं किया है लेकिन खुद का जो इसका कथन है she talks, she hates uh, neelie salter. Uh, she has a lot of hatred for her because uh, she thinks that she was, she hates uh, that neelie salter hates men and she wants to kill men and she, uh, that uh, make trip for her son and uh, caught her son in the trip and she wants to kill her. so that was something story, uh, some story she want, she tries to tell to uh, judge and his friend. ज पीपल वॉकिंग दैन आफ्टर जब ये बात उसने बोली उनको वो वहाँ से निकल गई कौन जीन uh, लोमांड जो है वहाँ से निकल गई थी उसके बाद जो है ये बातें कर रहे हैं आपस में ये बातें कि इसने इसको कैसे पता है तो वहाँ से जीन लोमांड जो है वहाँ से निकल गई थी तो तभी जो है uh, कर्नल क्योंकि एक चौथा कैरेक्टर है जो चीफ कॉन्स्टेबल है एल्ड्रेस वो आते हैं वो इनको बोलते हैं किसको जज को कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं कि जीन लोमांड का जो है वो मर्डर हो गया है क्या हो गया जीन लोमांड का मर्डर हो गया और इसकी डेड बॉडी जो है कि समंदर के किनारे पड़ी हुई है या जिन और उसमें लिखा हुआ जो बातें उसने सुसाइड कर लिया है जीन लोमांड ने सुसाइड कर लिया और जो बातें अभी तक जिन लोमांड जज को बोल रही थी वही बातें उस लेटर में उस सुसाइड नोट में जिन लोमांड ने लिखी हुई है तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी हैरान कर देने वाली हैं इन दोनों के लिए जज और उसके फ्रेंड जो वहाँ पर लॉज में बैठे हुए हैं उन सब के लिए तो ये पूरी कहानी चलती है तो जब वो जल्दी जल्दी जाते हैं तो और बोलते हैं उनको कि आप तो बोल रहे हो उसका मर्डर हुआ वो तो हमारे साथ यहाँ पर अभी तक बातें कर रही है और यहाँ पर अंदर बैठी हुई है वो दौड़ के भाग के जाते हैं उधर सर्च करते हैं कि क्या जीन लोमांड वहाँ पर है और पाते हैं कि जीन लोमांड तो वहाँ पर नहीं है लेकिन ये बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट्स जो है वहाँ पर है और इस सीज़न में आ, सी ट्राउट्स जो है वो नहीं मिलती थी समंदर में नहीं मिलती थी नायाब चीज़ थी उस मौसम में तो वो भी एक अजीब घटना उनके लिए थी तो यहाँ से साबित होता है कि ये जो थी अभी तक जो उनके साथ बात कर रही थी वो कोई जीन लोमांड नहीं थी बल्कि उसकी स्प्रिट या कहीं तो उसकी आत्मा थी जो उनसे बातें कर रही थी और एक गैस भी लगाया जा सकता है कि शायद नील साल्टर का मर्डर जो है जीन लोमांड ने किया है और उसका मर्डर करके खुद भी उसने सुसाइड किया है हालांकि इस पूरी प्ले में ऐसा कोई कथन मौजूद नहीं है लेकिन हम इससे एक गैस लगा सकते हैं तो दिस इज स्मॉल स्टोरी व्हाट वी दैट प्ले दिस इज स्मॉल समरी फ्रॉम दिस प्ले द बास्केट फुल ऑफ सी ड्राफ्ट्स एंड सो होप